हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फी माइट का एक्सपीरियंस। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ फी माइट का एक्सपीरियंस, यह सच में काम करता है या नहीं, ये शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने अपनी बच्ची के लिए मंगवाई थी यह दवा, और फ्रेंड्स यह दवा सच में काम करती है। आप देख सकते हैं कि यह एक नेल पेंट की तरह दिखती है और इसमें नेल पेंट की तरह ब्रश भी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने बच्चे की उंगली चूसने से परेशान हैं आप भी, तो इस दवा को ज़रूर मंगवाएं। और याद रखें कि आपका बच्चा अगर 1.5 साल से ऊपर का है तो ही ये दवा आप अपने बच्चों के लिए मंगवाएं, क्योंकि यह दवा का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, जिसके कारण मैंने जब अपने बच्चे को पहली बार यह दवा उंगली में लगाई तो उसने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ की। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा 1.5 साल से ऊपर का है तो ही आप उसकी उंगली पे लगाएं, या वरना 1.5 साल से नीचे के बच्चों को यह दवा मत लगाइए। और आपको सिर्फ उसके नेल, जैसे नेल पेंट हम लगाते हैं उस तरह से, आपको सिर्फ उसके नेल पे वन ब्रश चलाना है, इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा अगर आप लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा, अगर वह धोखे से मुँह में उंगली डाले तो बहुत ही ज़्यादा उल्टी करेगा। जो गलती मैंने की थी वो गलती आप ना करें। तो आप इस दवा को मेडिकल से मंगाइए, इसका नाम है फीमाइट लोशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस दवा का नाम है फीमाइट लोशन, आप देख सकते हैं। तो आप ये मुझे 175 रुपये में मिल गई थी मेडिकल से, आप भी इसे मेडिकल से परचेस करें। अगर मेडिकल में नहीं मिलती, मुझे तो मिली नहीं थी मेडिकल में, मैंने मंगवाई थी फिर मेडिकल वाले से बोलकर, तो आप भी अगर नहीं मिलती आपको तो मेडिकल वाले से मंगवा सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों की उंगली चूसने से तो ये दवाई को ज़रूर मंगाएं। 1 हफ्ते में ही आपका बच्चा उंगली चूसना छोड़ देगा और इस टेंशन से आप भी फ्री हो जाओगे, जैसे मैं हो गई हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।